हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, अभी अभी बस मैं नहाई हूँ और नहाकर मैंने अभी नाश्ता किया है। रोटी और आलू पत्ता गोभी की सब्जी मैं बनाई थी सुबह सुबह, तो बस उसे ही मैं खा ली हूँ। और देखिए, बाल मेरे सूख गए हैं तो मैं जा रही थी बालों में कंघी करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये अभी अयांश खेल रहा है। देखिए ये, वो देखिए धूप आ रही है वहाँ से, तो बस मैं रेडी हो ही गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बालों में कंघी कर लिया है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अयांश सो ही नहीं रहा है। मैं इसको आधे घंटे से सुला रही हूँ पर ये सो नहीं रहा है। पता है यहाँ सब कोई बोलेंगे कि आप ना बैड बॉय है, सभी कोई आपको बोलेंगे बैड बॉय। अयान सोता नहीं है, मम्मी को कुछ काम नहीं करने देता है, ऐसे सब कोई बोलेगा। इसे सुला रही हूँ और मेरे काम है थोड़े बहुत, वो मुझ में करूँगी तो फिर ये मान ही नहीं रहा है। और गोदी में रखती हूँ तो रहता है, फिर नीचे से रखती हूँ ना फिर ये रोने लगता है। आदित्य आसी नीचे चले गए बैडमिंटन खेलने के लिए। अयांश, आप भी जल्दी से बड़े हो जाओ, आप भी जाओगे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी बस मैंने बच्चों को खाना लगा दिया है और उसके बाद ना मतलब कि हयांश को संभाल लेंगे आदित्य आसी। और मैं आप सभी के साथ ना पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे आ गए थे तो देर के लिए मैंने हयांश को दिया है आदित्य आसी को खेलने के लिए। और अभी ना मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ ये साड़ी। ये साड़ी को लेकर आप सभी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैंने ये ब्लैक और ग्रे कलर की साड़ी कहाँ से ली थी। तो ये जो साड़ी है ना, इसका कपड़ा जो है एकदम इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मैं अब क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट कपड़ा है। मैंने इसे न्यू ईयर में पहनी थी और गई थी मंदिर फर्स्ट टाइम, और न्यू साड़ी ही है ये। तो ये वाला मैंने पहना था। इसमें आपको इस तरह से लेस मिल जाएगा, पूरे साड़ी में इस तरह से आपको लेस मिल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ, और बीच में ना आपको ये देखिए, पहले तो मैं ये आंचल दिखा रही हूँ, इस तरीके से मोती लगी हुई है और काफी अच्छे से पीछे ना फिक्स किया गया है, तो वॉश करने पर ये निकलता नहीं है। और ये देखिए, ब्लैक और ग्रे कलर की ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी उस दिन की जब मैं पहन के गई थी। आप सभी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से ली, ये मैंने ली है अमेजोन से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत अभी मैंने ये ब्लैक और ग्रे कलर की जो साड़ी दिखाई है ना, अगर आपको पसंद आता है ना तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उस लिंक के जरिए से खरीद सकते हो। और साड़ी दिखाते दिखाते मैं आप सभी को अब ये दो कुर्ती दिखाने जा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं दिखाई रही थी तो ये सारे कपड़े भी थे निकले हुए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नई कुर्ती आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट कुर्ती जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये देखिए, ये बीच कलर का है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा है। और ये देखिए न्यू है ये, तो मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाती हूँ। और ये जो है ना, इस तरह से आपको स्लीव्स मिल जाएगा। और ये जो फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ये आप विंटर में भी पहन सकते हो और समर में भी पहन सकते हो, क्योंकि ये जो कॉटन है ये बहुत प्यारा कॉटन है। ये देखिए, जैसे कि होता नहीं है खादी कॉटन, उस टाइप का कॉटन है, काफ़ी कंफर्ट लगेगा पहनने के बाद। ए लाइन कुर्ती है और आपको ना देखिए इस तरह से यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद आप ना इसे फिट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से डोरी दिया गया है और इससे ना काफ़ी अच्छा लुक आता है पहनने के बाद। ये देखिए, यहाँ पर आप फिट कर सकते हो। और इस कि अब देखिए, ये ए लाइन कुर्ती है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा घेर तो नहीं रहता ए लाइन कुर्ती में, यहाँ पर आपको कट मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको इस तरह से बटन्स मिल जाएंगे जो कि ये ओपन नहीं होते हैं। और उसके बाद पीछे की बात करूँ तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छा कलर है। और उसके बाद मैं आप सभी को एक ये ब्लैक कलर की कुर्ती दिखाने जा रही हूँ, जो कि ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक है और थोड़ा सा ये इसमें चेक डिजाइन हुआ है इस कुर्ती में। और आपको इस तरह से आपको ये ना फुल स्लीव्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल जाता है। और ये भी देखिए यहाँ पर भी, और ये बिल्कुल प्लेन है लेकिन ना पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। कॉटन नहीं है ये, और इसका जो कपड़ा है ना ये थोड़ा सा पॉलिस्टर टाइप का है और इसका कलर नहीं जाएगा। और ये जो मैंने कुर्ती पहन रखा है ना ब्लैक कलर का, उसी टाइप का है ये फैब्रिक, तो सही है। और इस तरह से आपको ये नेक मिल जाता है, आपको यहाँ पर ना डिटेलिंग वर्क मिल जाएगा, ये देखिए डोरी का, ये देखिए इस तरह से। और साइड में आप मुझे देख सकते हो, मैं पहनकर भी आप सभी को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है पहनने के बाद। उसके बाद देखिए ये मैंने अपने बच्चों के लिए लिया है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो एक आदित्य के लिए मैंने लिया है, एक आशी के लिए लिया है। और ये देखिए ये रूपा ब्रांड का है और ये थर्माकोट ना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा सस्ता में मिल गया है। दो मैंने लिया था और एक ना मुझे ये 200 रुपये का मिला है और एक मुझे 154 रुपये का मिला है। मैं ट्राई कर रही थी कि इन दोनों में अंतर क्या है, लेकिन अभी मैं जब देख रही हूँ तो कुछ मुझे ऐसा अंतर नहीं नज़र आ रहा है। तो अमेजोन पर मुझे एक थोड़ा सा देखिए सेम ही लग रहा है, मैं इसे कपड़े वगैरह, और ये आपको एक बात बताऊं, ये दोनों एक ही पैकेट में आया है, अलग अलग मैंने ऑर्डर किया है लेकिन एक ही पैकेट में आया है, एक ही चीज़ होगा लेकिन प्राइस का अंतर होगा, सेलर भी शायद हो सकते हैं अलग होंगे, लेकिन ये तो दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है, तो दोनों के लिए एक एक है। और भी थे पहले थर्माकोट उनके पास, तो मैंने एक एक और ले ही लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि अगर इसमें से दोनों कुर्तियों में से आप सभी को पसंद आता है ना तो आप बेझिझक ले सकते हो अमेजोन से। और अगर इस साड़ी की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है ये, बहुत ज़्यादा ही पहनने में, मैं खुद पहनती हूँ इसे रेगुलर यूज में, मैं मतलब कि आप सब जानते हो कि मैं साड़ी भी पहनती हूँ और काफ़ी एकदम इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि क्या बताऊँ, डेली वेयर के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। और मेरे जैसे अगर आपके पास भी छोटे बेबी है ना, तो अगर साड़ी पहन के भी आप जाते हैं ना तो आराम से आप बच्चों की मतलब कि बच्चों को ले भी सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। तो इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।